प्यारा सा डॉग बैठा था, नहीं डरी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आज की सुबह हूँ देहरादून में, उत्तराखंड। तो रात को बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि बहुत थके हुए थे। और अभी यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा है, सर्दी नहीं है ज़्यादा। दिल्ली में तो अभी सर्दी थोड़ी थी सुबह के टाइम, यहाँ नहीं है। मैं छत पे हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ यहाँ का वेदर। बहुत अच्छा सा व्यू है, ये देहरादून है। मैंने बचपन बीता है, मैं यहाँ कम से कम लगातार 5-6 साल तक रही। उसके बाद हम लोग, मेरी नानी जी का घर था, मैं नानी जी के पास रहती थी बचपन में। और उसके बाद मैं मम्मी के पास चली गई। और ये करिश्मा के चाची जी हैं जिनके पास हम रह रही हैं, उनका घर। ये देखो, ये स्कूल है, ये ना, ये सारा स्कूल। हर ये हमारे ना धर्मशाला में जो होती थी वो जुलाई अगस्त में छुट्टियां होती थी, हमको समर वेकेशन नहीं होती थी क्योंकि वहाँ पर बारिशें बहुत होती हैं। तो मैं छुट्टियों में हम लोग जाते थे देहरादून। तो यहाँ से ना मेरा बहुत अच्छा सा कनेक्शन है। तो मेरा बहुत मानना है कि नाना जी, नानी जी ने यहाँ से घर छोड़ दिया था, सेल आउट कर दिया था और जलंधर में शिफ्ट हो गए थे। तो मेरा हेलो, और ये टुक टुक, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, टुक टुक, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, टुक टुक, नहीं बोलना, टुक टुक, ए गुड्डू, ओ गुड्डू, गुड मॉर्निंग बोल। फ्रेंड्स ये देखो, तुलसी का झाड़ है, कितना बड़ा है, और ये भी 3-4 साल पुराना है। इतना बड़ा कैसे हो गया ये? रेडी। और अभी हम नाश्ता करेंगे और फिर निकलते हैं आगे अगले शौक के लिए। मसूरी और इस टाइम ना हमें ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और ये देखो यहाँ के अट्रैक्शन, मुझे ये लगता है रिक्शे, ये लोग अब तो ये साइकिल से चलते ना रिक्शे। एक टाइम इधर ऐसा था ये मैन पुलर होते थे उधर, ये सब लोग आदमी खींचते थे रिक्शा को। अभी तो मेरे को ये सब साइकिल लगी हुई दिख रही है, आगे साइकिल है ना, पीछे रिक्शा के, और ये रिक्शा भी अलग तरह के है। ये है मसूरी का कंपनी बाग। देखो 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 मसूरी का कंपनी बाग। अभी मिलती है एंट्रेंस, सुबह का टाइम है ना तो ठंड लग रही है मसूरी में। फरवरी में भी काफी ठंड आया मसूरी। बर्फ ही है वो, देखो थोड़ी सी वाइट वाइट बर्फ दिख रही है, स्नो पड़ी हुई है। ये कहा झरना, झरना भी निकालते हैं फोटो। झाग है, हाँ कैसी झाग है, लगी झाग रही है।
नहीं बर्फ है, स्नो है ना। नहीं झरने तो निकाल दो फोटो सामने। चाय किधर को भी चल जाना तो भाई लग रही है। काटने का तो नहीं, नहीं काटने का तो नहीं क्या? क्यों कटेगी? नहीं कटेगी, मैं साथ कर लो। आ रही ये देखो मसूरी में ना ये कंपनी बाग में ना वो बनाया हुआ है एक नर्सरी सी और बोगनविलिया, ये बिगोनिया है शायद। इतने सुंदर लग रहे हैं ना सारे, इतनी प्यारी नर्सरी है देखो। टुक 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 टुक, मजा आ रहा है गुड्डू को? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो गुड्डू बोलता नहीं है, भाग। देखो कार के अंदर, पुरानी कार के अंदर अट्रैक्शन सा बनाया हुआ प्लांट्स का। ग्रीनरी देखो, बहुत ठंड है, रोज बर्फ पड़ती है, हल्की हल्की बर्फ अभी भी थोड़ी थोड़ी जगह पे दिख रही है हमको। और प्लांट्स को बचाने के लिए सारी शीट्स वगैरह लगाई हुई है, ग्लास हाउस बनाया हुआ है। एक प्यारा सा डॉग बैठा था, मुंह देखो कितना बड़ा, बहुत भारी डॉग है, पहाड़ी डॉग लग रहा है मुझे, लेकिन बहुत प्यारी। और टुक टुक से ये नहीं डरा, और टुक टुक इससे नहीं डरी, टुक टुक तो बिल्कुल नहीं डरी। खा लो चटपटी चाट काले चने की, और मेरे ख्याल से ये है चने की दाल। रास्ते में इतने प्यारे प्यारे स्टफ टॉयज लग रहे हैं, है? ये देखो वो खेल, वो शिट्ज़ू है ना, शिट्ज़ू बैठा हुआ बीच में, बिल्कुल लग रहा है टॉय है। ये क्या था, कितने सुंदर लग रहे हैं स्टफ टॉयज। आजा टुक टुक के लिए क्या लूं, टुक टुक कौन सा टॉय लूं? लासा ही अच्छा, ये ना कोई टॉय, ये ऐसे क्यों बैठा हुआ है भैया? सबसे छोटा स्टफ टॉय कौन सा है? नहीं ऐसा नहीं चाहिए, सबसे छोटा सा इसके लिए, ये इतना बड़ा क्या करेगा? ये कितने का है? अरे भैया इतना महंगा, ये 150 रुपए का दे दो। अरे बहुत महंगा महंगा है, लेकिन अच्छा अच्छा। ये कितना सुंदर स्क्विरल, हमारी गिलहरी, ये कितने की है? 250 की है अभी, देख टुक टुक है ये भी, देख ले बिल्कुल टुक टुक जैसी है। मेरा तो मन कर रहा है मैं ये लूं, पर ये बहुत महंगे, ये बड़ा अच्छा है ये। हाँ
फ्रेंड्स देखो इतने सुंदर सुंदर स्टफ टॉय है। ये मसूरी के से वापस जा रहे हैं हम देहरादून की तरफ, तो रास्ते में है ये, इतने सुंदर सुंदर स्टफ टॉयज है, मजा आ गया। और साथ में शिट्टू भी है, ये भी सेल के लिए। लासा लासा है ये? यस इतनी सुंदर है। मंदिर में आए थे, मंदिर के साथ एक शॉप है बहुत बड़ी, उस शॉप में सारी वास्तु की मूर्ति सारे स्टोनों से है, स्टोन्स द्राक्ष पर्ल्स स्टोन बहुत चीज देखो। मुझे पता था मेरे को पुखराज भेज दिया अच्छा, तो मैंने ले लिया है ऐसी, क्योंकि पुखराज अच्छा था, मैंने वो नहीं गौर किया कि कितना चाहिए कितना नहीं, सवा 5 रुपये से ऊपर पसंद देगा। तो शॉप में ना इस शॉप में अगर किसी का अगर किसी को पहनना हो ना स्कूल मेरा, तो वो आया जा सकता है, बल्क में या थोक की व्यापार है नहीं। सूरी से देहरादून की तरफ जा रहे हैं ना रास्ते में। सो गाइस आफ्टर एन अनप्लान्ड ट्रिप ऑफ 3 डेज आई एम बैक टू पवेलियन। तो हम लोगों ने ना हम लोग गए थे सबसे पहले जिम कॉर्बेट, उसके बाद हम आगे हरिद्वार, हरिद्वार के बाद हम लोग गए ऋषिकेश, ऋषिकेश में हमने रिवर राफ्टिंग करी। और ये रिवर राफ्टिंग का मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे रिवर राफ्टिंग करनी है, रिवर राफ्टिंग मुझे स्विमिंग नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी पानी में उतर गई और मैंने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन एक बस एक वो रह गया कि हम लोगों को वो उसकी जो कैप्चर नहीं कर पाया, कैप्चर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि हमारे कैमराज और वीडियोस ये सॉरी मोबाइल्स जो थे वो हमने सेफ जगह पर रख दिए थे, क्योंकि पानी के वेव्स उठती हैं तो उससे सब लोग हम लोग भीग जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब हम जा रहे थे तो जब हमने बुकिंग कराई थी तो हमें बताया गया था वहाँ पर जो गाइड होगा वो हमारी फ़ोटोज़ लेगा, और जब हम पैसे देकर उनसे वो फ़ोटोज़ और वीडियो ले सकते हैं। मैं उनसे बारी बारी पूछ रही थी कि कौन कैप्चर कर रहा है, कौन कैप्चर कर रहा है। उन्होंने पूछा भी हमसे कि 1500 रुपये लगेंगे, आप सब लोग बांट लेना और आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन मैंने देखा कि जो हमारे साथ जो गाइड था या जो हमारे साथ चला रहा था बोट, उसके पास कैमरा नहीं लगा हुआ था, बाकी सब बोट्स पे कैमरा लगा हुआ था उनके हेलमेट के ऊपर, वो उसके पास नहीं था। और मैं लास्ट तक पूछती रही मेरे को वीडियो चाहिए, मेरे को मैं उनको बोला कि हमें चाहिए, करिश्मा के फादर ने भी बोला हमें चाहिए, लेकिन जब हम लोगों ने मांगी तो उन्होंने कहा नहीं है। तो बड़ा तब बड़ा मूड खराब हुआ। खैर अनदर टाइम फिर देखेंगे, फिर किसी वक्त मैं करूँगी और मैं उसका कैप्चर ज़रूर करूँगी। उसके बाद हम लोग देहरादून चले गए, देहरादून में करिश्मा के चाचा जी ने और चाची जी ने हमारा अच्छा वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग मसूरी चले गए, सुबह उठ के हम रात को सोए देहरादून में, देहरादून में बहुत अच्छी नींद आई, अच्छे से मैं सोई, सुबह उठी, उसके बाद मैं आ गए हम लोग मसूरी। मसूरी में हमारा ज़्यादा टाइम होने की वजह से हम कैंपटी फॉल नहीं जा पाए मसूरी से ऊपर, हम लोग कंपनी पार्क में घूमे और मॉल रोड पर घूमे, थोड़ी सी शॉपिंग नहीं कर पाए, कुछ था नहीं उधर ऐसा कुछ कि हमको शॉपिंग करनी है। उसके बाद हम लोग वापस गाड़ी में बैठ के दिल्ली के लिए आ गए और 10 बजे के करीब हम सब लोग अपने अपने घर में थे। और अब मैंने भूख खाना तो भूख तो थी नहीं क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी कुछ खा लिया था रास्ते में, तो मैंने ग्लास ऑफ मिल्क लिया है। तो अभी मैं यहाँ पर अपने इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो टुक टुक भी आधी सोई हुई है, तो टुक टुक भी थकी हुई है, तो टुक टुक भी आपको बाय बाय बोल रही है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हम अपना ख्याल रखेंगे। लव यू ऑल, बाय।